पिछले हफ्ते का दोस्तों थमलिन में मैंने लिख दिया था कि 1 महीने में 21,000 निफ्टी टच करने वाला है, और निफ्टी ने बोला 1 महीना, अरे वेकेशन पे जाना है, क्रिसमस के छुट्टी पे, चलो 1 हफ्ते में ही कर लेता हूँ। 21,000 टच कर गया। आगे का जो सफर है ना, कितने में रुकेगा आपको लगता है? 22,000, 23,000, 26,000, वो तो आगे बढ़ता जाएगा। उससे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन टेलीग्राम बोल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं दोस्तों, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फायदा आपका है। मैं क्यों बोल रहा हूं पता है? ये हफ्ते जो लेवल दिया हूं दोस्तों, मैंने आखिरी दिन का लेवल भी बहुत हिट गया है, जिसे ये फ्राइडे के दिन मैंने क्लियरली 9:18 पे मार्केट खुलते ही बोल दिया था कि 20,957 के ऊपर अगर जाएगा निफ्टी तो हमें कॉल ऑप्शन खरीदना है। ब्रेकआउट से पहले बोला था दोस्तों 918 पे 20,957 के ऊपर हमें बाय करना है। उसके बाद क्या था मेरे भाई, प्रॉपर ब्रेकआउट दिया, यहां पे कॉल खरीदे, जस्ट रिटेस्ट एंड देन अपसाइड का मोमेंटम। आपको लगता है कि यहां पे कोई मूव कैच नहीं किया होगा? ये फ्री वाले ग्रुप पे लोग कितना कमाते हैं भाई, प्रूफ देख लीजिए कितना कमाते हैं लोग। और लिटरली दोस्तों इसी के अकॉर्डिंगली इवन में अपने क्वालिटी वाले ग्रुप पे 20,800 का कॉल दिया था, 250 से 284 बहाई मारा है, लोग बहुत छाप के रखे हैं। 20,800 के कॉल पे ही 5,000, 4,000, 5,000 का प्रॉफिट छाप के रखे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं जाके दोस्तों अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए। अब अगले हफ्ते निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में क्या होने वाला है देखने वाले हैं। बस मेरा एक ही आपको रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जो कंटेंट मैं बनाता हूं दोस्तों उसका वैल्यू आप समझेंगे, क्योंकि मेरे भाई नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो दिक्कत आएगा। जैसे कि गुरुवार के दिन शाम को ही बोल दिया था निफ्टी बोल रहा है थोड़ा रेस्ट लिया हूं, कल दिखाता हूं 21,000। आपको पता है फ्राइडे के दिन सीधा 21,000 टच किया, तो जो के पार्ट दोस्तों ये सब होता है। अब मैं क्यों सब्सक्राइब करने को बोल रहा हूं, क्योंकि यार मंडे के दिन मिड कैप का एक्सपायरी है, जिसका स्पेशल वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं प्लीज यार बात को समझा करो, प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगला वीडियो भी मैं डाल चुका हूं, ये जो वीडियो है ना ये एक वीकली स्पेशल वीडियो रहेगा, वन डे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। मुझे पता है बहुत कम लोग देखते हैं ये वीडियो, जिनको कहीं ना कहीं एक ओवरव्यू चाहिए। तो चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और रियली सॉरी अगर पीछे से नॉइज आ रहा है तो, क्योंकि भाई फील्ड में इधर के इलाके में कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट चल रहा है, इसलिए दोस्तों कहीं ना कहीं नॉइज आ रहा होगा, सॉरी। तो इसीलिए दोस्तों डिस्टर्बेंस होता है, उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोल रहा हूँ, पीछे से नॉइज आ रहा है। तो देखिए दोस्तों सिंपल बात है, अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी का, क्या ही बात करूं यार। मतलब आपको लगा कि यार चार्ट इतना खाली खाली, हर हफ्ते हम देखते हैं कि भाई इतना ट्रेंड लाइन ये वो, बट अभी इतना खाली खाली चार्ट में क्या करूं मेरे भाई, मतलब ड्रॉ करने के लिए कुछ है ही क्या, बचा ही क्या है। ओ अपना स्वेग पे चल रहा है, हर रोज न्यू लाइफ टाइम हाई लगा रहा है। तो बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं क्रिस्टल क्लियर, देखिए ट्रेंड बच्चों को पता है यार, 5 साल के बच्चों को भी आज के टाइम पे जाके पूछेंगे क्या ट्रेंड है भाई मार्केट का, सब बता देंगे अब ट्रेंड है, वो चार्ट पे दिख रहा है दोस्तों। यहां से जो ट्रेंड पकड़ा है ना वो चार्ट पे दिख ही रहा है, सारा रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस फोड़ के जो ट्रेंड पकड़ा है चार्ट पे दिख रहा है। अगले हफ्ते का क्या प्लानिंग रहना चाहिए, देखिए ट्रेंड की अगर मैं बात करूं आप क्लियर पे, फिर भी हम क्लियर कर लेते हैं। यहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों एक कंप्लीटली रेजिस्टेंस था, जहां से मार्केट बहुत अच्छा फॉल दिया था, दूसरी बार सेकंड टाइम जब टच किया तो भाई पहली बार जितना फॉल दिया था उससे डबल फॉल दिया, पहली बार इतने तक फॉल दिया तो दूसरी बार जैसे रेजिस्टेंस को टच किया अगर आप देखोगे उसे डबल फॉल दिया है दोस्तों। लेकिन फाइनली अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस 1 था, रेजिस्टेंस 2 था, दो बार टच करके मार्केट गिरा था, लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस को दोस्तों मार्केट ब्रेकआउट किया है उसके बाद रुका नहीं है, उसके बाद ऊपर ऑलरेडी मार्केट सस्टेन कर चुका है, यानी कि दोस्तों ट्रेंड पूरे के पूरे क्लियर है। और एक बात, आपने जो भी कॉल पुट लिया है कमेंट कर लिया करो ना भाई, हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया हूं, चेक कर सकते हैं मंडे के दिन करना क्या है। कोई भी निफ्टी का, फिन निफ्टी का, कुछ भी कॉल पुट होल्ड लिए कमेंट कीजिए, मैं तो हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूं। मैं खुद बोलता हूं जिस दिन रिप्लाई नहीं दूंगा उस दिन से आप मेरा वीडियो देखना छोड़ दीजिए। तो देखिए दोस्तों ट्रेंड तो क्लियरली अपसाइड है, एक बात समझने की बात है, यहां पे अगर आप देखोगे ये रेजिस्टेंस था करेक्ट, और यहां पे देखो स्ट्रक्चर इतना ब्यूटीफुल बना है कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगले दिन सीधा गैप अप खुला मार्केट, गैप अप खुल के अगर आप देखोगे दोस्तों एक दो दिन मार्केट नीचे भी आया था थोड़ा सा, और इसी रेजिस्टेंस को यहां पे सपोर्ट लिया एंड देन अपसाइड का मोमेंट दिया है, यानी कि बेसिकली इस टाइप का पैटर्न बना है। यहां पे अगर मैं ड्रॉ कर लूं तो मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मार्केट यहां पे ओपन हुआ,
मार्केट खुला नीचे आया और ऑलरेडी मार्केट ऊपर खुला है तो नीचे आके ये रेजिस्टेंस क्या बनेगा, सपोर्ट की जैसा काम करेगा। यहाँ पे सपोर्ट लेके ना ऐसे यू टाइप का पैटर्न बना के यहाँ पे खड़ा हुआ है, जहां पे खुला था वो हाई नहीं टूटा है, बस खुला नीचे आया रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लिया, यू पैटर्न बना के खड़ा हुआ है, जैसे ही ब्रेकआउट करेगा आप दौड़ने के लिए। वही सेम पैटर्न बना है यहाँ पे, यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों एग्जैक्टली सेम पैटर्न बना है, यहाँ पे आप खुद देख लीजिए यू बना है कि नहीं बोलिए। मार्केट खुला था यहाँ पे, एक दिन ऊपर रहा, दो दिन ऊपर रहा, तीसरे दिन में नीचे आया, सपोर्ट लिया एंड देन यू पैटर्न बना के ऊपर, अब पूरा रेडी है। तो पिछले हफ्ते ऑब्वियस सी बात है चार दिन मार्केट एक रेंज के टाइप में ही रहा, बट कहीं ना कहीं क्लोजिंग अपसाइड की तरफ ही दे दिया। तो अगले हफ्ते मेरा क्लीन व्यू है 47,300 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा, जो कि फ्राइडे का डे का हाई है, वो तो ऊपर जाएगा ही, असली खेल कब चालू होगा 47,500 के ऊपर। अगर एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल क्लोज दे देता है ना मेरे भाई, तो बीटीएसटी लेते जाइए कॉल के तरफ, हीरो जीरो खरीद सकते हैं 48,000 तक, क्योंकि 47,500 एक सबसे बड़ा रिसेंट टाइम का रेजिस्टेंस है, जो कि एक राउंड लेवल भी है। तो फ्राइडे का हाई को तोड़ना, सपोर्ट को टच करके यू पैटर्न बना के ऊपर जाना, ऊपर से 47,500 एक कहीं ना कहीं राउंड लेवल को तोड़ना, क्या चाहिए मेरे भाई और लाइफ में इतना ज्यादा कंफर्मेशन। तो यहां से आपको सीधे 500 पॉइंट का अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा, यानी कि 48,000 आपके सामने होगा अगले हफ्ते ही, अगर इस लेवल के नीचे अच्छे खासे अगर ऊपर सस्टेन कर दिया तो। डाउन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 46,285 के नीचे अगर एक बड़ा सा बियरिश रेट एंगल्फिंग कैंडल क्लोज देता है, तब जाके हम पुट बाय करेंगे, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर खुला तो सपोर्ट बन चुका है, जो कि एक बिगेस्ट सपोर्ट है। इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं आता तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बाय ऑन डिप है, क्लियरली मैं बता रहा हूं दोस्तों बाय ऑन डिप है। जब भी खुला तब भी बाय के लिए सोचिए, क्योंकि ट्रेंड हमारा है अपसाइड। क्लियर हो गया दोस्तों, ज्यादा डिस्कस टाइम भी नहीं लगेगा, ज्यादा डिस्कस करने के लिए है नहीं, क्या है सब तो उड़ रहे हैं दोस्तों ऊपर। निफ्टी की बात करते हैं, अच्छा इसकी बात करें भाई, यहाँ पे तो और कुछ बचा ही नहीं है निफ्टी, क्या क्या हिसाब लगाएंगे आप बोलिए। चलो अब गेस कीजिए 23,000, 24, 25, 26 भाई जा ही चलेगा ही चलेगा आप निफ्टी, क्योंकि इतना ज्यादा बुलिश दिख रहा है ना निफ्टी। कुछ भी आप टेक्निकल एनालिसिस कर लो यार, कुछ भी। तो बस अगले हफ्ते के लिए मैं यही कहूंगा, निफ्टी मंडे के दिन फ्लैट खुलने जैसा तो दिख ही रहा है, जो अभी तक गिफ्ट निफ्टी को देख के पता चल रहा है। तो अगर मंडे के दिन फ्लैट खुला 21,000 राउंड लेवल पकड़ते हैं, 21,000 के ऊपर अगर एक बड़ा ग्रीन कैंडल क्लोज दे देता है, तो यहां से आपको निफ्टी और भी बुलिश होता हुआ दिखेगा, क्योंकि 21,000 दो है वहीं सबका नजर टिका है दोस्तों, यहीं पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुआ है, और 21,000 एक राउंड लेवल है। लेकिन और एक बात मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा अलग भी हुए हैं ये, मैं बायस नहीं हो रहा हूं, 21,000 के ऊपर अगर जाएगा, ठीक है 21,000 के ऊपर जब जाएगा तो ये भी हो सकता है। देखिए मार्केट में कुछ भी श्योर नहीं है, जोस जोस में आके 21,000 के ऊपर तो भाई 25,000 चला जाएगा, 26,000 ठीक है कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, 21,000 के बाद 22,000 आ सकता है, 23,000, अरे भाई 7 दिन 10 दिन में आपको 21,000 मिल गया और क्या चाहिए। तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, लेकिन एक बात याद रखिए, ऐसे भी बहुत बार मैंने देखा है, मुझे अभी भी याद है जब निफ्टी 18,000 के आसपास था तब भी ऐसा हुआ था। तो 21,000 जब ब्रेकआउट करेगा ना दोस्तों, 21,000 वैसे भी एक बड़ा सा नंबर है, इसके ऊपर अगर एक दो दिन सस्टेन करेगा ना, तो पूरे न्यूज में सब लोग कहीं ना कहीं एक पॉजिटिवनेस आ जाएगा कि भाई अब तो गिरने नहीं वाला मार्केट, अब तो ऊपर ही ऊपर जाएगा। अब लोगों की रिटेलर का थिंकिंग देखो, 18,000 पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, 19,000 पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, 19,500 पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, 19,800 पे भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, 21,000 के जब ऊपर जाएगा, जब स्टॉक सब हाई प्राइस पे चल रहा होगा तब इन्वेस्ट करेंगे, जस्ट बिकॉज अब दोस्तों हाइप के लिए, न्यूज के लिए, अरे 21,000 के तो ऊपर अब तो रुकेगा ही नहीं। तो ऑपरेटर बड़े स्मार्ट है दोस्तों, उसका देखा जाए प्रॉफिट बुक जब बुक करना चालू करेगा ना, इतना तेजी से गिरेगा कि हालत खराब है। ये एक रियलिटी है जो कि मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूं, 18,000 जब टूट गया तो चारों तरफ बस यही फैलता रहा कि भाई 18,000 टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, कितना बड़ा सेलिंग आया था, हालत खराब हो गया। वो ऐसे कुछ भी नहीं है, कॉशियस अप्रोच लेके चलिए, ठीक है 21,000 के ऊपर अगर जाएगा तो इंट्राडे में हम बाय ऑन डिप करेंगे, जैसे फ्राइडे के दिन ओवरऑल तो ऊपर के साइड ही गया, मैं तो बाइंग का ही कॉल दिया, कुछ दिन से मैं बाइंग का ही लेवल देता जा रहा हूं, तो ओवरऑल ट्रेंड है उसके साथ चलिए, बट कॉशियस अप्रोच लेके, क्योंकि जब तक दोस्तों कहीं ना कहीं सब लोगों को ये न्यूज ये सब हाइप मच जाता है ना,
तब जाके मार्केट अपना असली रंग दिखा देता है। तो इतना भी इजी नहीं है कि 21,000 के ऊपर तो भाई अभी स्टॉक खरीदे नहीं, मेरे हिसाब से नहीं खरीदना चाहिए। इंट्राडे पे कहीं ना कहीं आपको वो करना चाहिए। लोग सोचते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करें, बट थोड़ा सा सोचिए कि अरे भाई हमने 18-19,000 पे नहीं किया तो 21,000 पे क्यों करें। दीजिए क्रेश आने दीजिए, या फिर एक डिप, अच्छा डिप मारने दीजिए 1,000-2,000 पॉइंट का, फिर देखते हैं इन्वेस्टमेंट करना। तो देखिए 21,000 के ऊपर जाएगा, ट्रेंड अपसाइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके ऊपर तो मैं खुद बाय ऑन डिप करूंगा। तो 21,000 के ऊपर जाएगा तो पहला टारगेट रहेगा 21,200, 21,200 के ऊपर जाएगा तो 21,500 तो कहीं गया ही नहीं, वो तो आएगा ही आएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, क्योंकि ट्रेंड फुल बुलिश है। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो प्रूफ भी मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो 20,864 का अगर आप देखोगे जो हमारा रेजिस्टेंस था दोस्तों, उसके ऊपर मार्केट गैप अप खुला था। अगर आप देखोगे एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे देखिए दो बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे देखिए तीन बार सपोर्ट लिया, तो ठीक है रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मार्केट निफ्टी गैप अप खुला था। तीन दिन कहीं ना कहीं सेम प्लेस पे बार 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 टच करके उठा, 21,000 को ब्रेक करने के लिए रेडी है, ट्रेंड अपसाइड है, कोई टेंशन नहीं। अब अगर मैं सेलिंग की बात करूं तो 20,855 के नीचे हम सेल करेंगे, 20,855 के नीचे हम सेल करेंगे। इसके पीछे क्या रीजन है पूरा ड्राइंग में रिमूव कर देता हूँ। सिंपल रीजन है दोस्तों, यहाँ पे जो मैं एक लेवल ड्रॉ किया था अभी अभी, अगर आप देखोगे ये जोन को हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं वही बोल रहा था कि दोस्तों देखिए ये कहीं ना कहीं एक, अगर आप देखोगे ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे तीन बार कहीं ना कहीं कैंडल आ रहा था टच करके ऊपर, आ रहा था टच करके ऊपर, आ रहा था टच करके ऊपर, ऐसे सपोर्ट ले रहा था। तो क्या होगा आप खुद सोचिए, जहां पे तीन बार कैंडल सपोर्ट लिया, इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से तीन बार कैंडल आप देख रहे हैं, तीन बार सपोर्ट लिया है, क्या होगा अगर इसके नीचे एक बड़ा सा रेड कैंडल क्लोज दे दे तो टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि भाई 21,000 का लेवल तो जो था निफ्टी का टारगेट वो टच कर गया। अब 21,000 से मान लेते हैं सीधा रिजेक्शन मारा और इसी सपोर्ट के नीचे एक बेयरिश रेड कैंडल क्लोज दे दिया, लाइक 20,850 के नीचे, तो यहां से आपको डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो एक पैटर्न ऐसा बन जाएगा कि मार्केट ऊपर गया, 21,000 को टच करके एम पैटर्न बना, एंड देन डाउनफॉल मोमेंटम दिया वन डे टाइम फ्रेम पे। तो अगर 20,850 के नीचे जाता है दोस्तों तो हम पुट बाय करेंगे, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। बट ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बुलिश है। फिन निफ्टी की थोड़ा बात करते हैं दोस्तों, फिन निफ्टी भी बहुत आसान है, इसमें भी कुछ कहने के लिए है नहीं। देखिए फिन निफ्टी की अगर मैं बात करूं, अगर लाइक मंडे के दिन फिन निफ्टी फ्लैट जैसे भी खुला 21,237 अगर टूटा तो कॉल बाय करेंगे, क्योंकि फिन निफ्टी तो बैंक निफ्टी जैसा ही है, बैंक निफ्टी जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सपोर्ट लेके यू पैटर्न बना के उठा था। फिन निफ्टी भी अगर आप देखोगे यू पैटर्न बना के प्रॉपर उठ रहा है, तो 21,237 के ऊपर बाय सेल दोस्तों, 20,862 के नीचे सेल, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, सपोर्ट बन चुका है। क्लियर हो गया दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके फ्री वाले ग्रुप पे अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए। अपने मम्मी पापा को ना बहुत 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 सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। कल मैं लेके आ रहा हूँ एक स्ट्रेटेजी, मजा आएगा, सब्सक्राइब करके जाइए, मजा आने वाला है। कल के दिन और एक स्ट्रेटेजी में लेके आऊंगा, हर संडे में डालने की कोशिश करता हूँ, पिछला नहीं उसके पिछले संडे मैंने डाला था, मजा आने वाला है। प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू सो मच, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। टेक केयर, बाय एंड सी यू।